फतेहपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां रविवार देर शाम एक हैवान ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी, तभी आरोपी उसे अपने घर उठा ले गया और घटना को अंजाम दे डाला। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हदगांव थाने के गांव में 3 वर्षीय बच्ची रविवार देर शाम घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस का रहने वाला एक युवक आया और बच्ची को बहाने से अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चीखने की आवाज़ सुनकर जब तक आस पड़ोस के लोग मौके पर दौड़कर पहुंचते, तब तक आरोपित उसे छोड़कर फरार हो गया। बच्ची के परिजनों ने बताया कि बच्ची के घर पहुँचने पर घटना की जानकारी हुई। इसके बाद परिजन शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे तो परिवार के लोगों ने गाली गलौज कर भगा दिया। पीड़िता के पिता ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारी बाहर खेल रही थी तो मुस्लिम वर्ग का लड़का मासूम मोहम्मद, उसने आया, उसको टापी के बहाने लेके अपने घर गया। घर जाने के बाद वो बच्ची के साथ गलत काम किया। काम करने के बाद वो बच्ची जब चिल्लाई तो छोड़ के भाग गया। उसका भाई देखा तो उसकी बहन रो रही थी, तो वो मम्मी के पास अपने बताने से गया। उसके बाद उसकी मम्मी आई, उसको जब उनके घर में शिकायत पहुंचाया तो उसकी माँ और बाप जो है वो धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने थाने गए तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। और उसका पक्ष लेके प्रधान और उसका भाई, वो दोनों लोग भी धमकी दे रहे थे कि लोग अगर थाने गए तो इनको रास्ते में ही मारना। फिर हम कुछ लोग गाँव के आदमी को लेके गए, थाने में गए तो हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। दर्ज करने के बाद पुलिस आई, वहाँ से फिर इन लोगों को पकड़ा। पकड़ने के बाद फिर इनके नाम कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। कल दिनांक 21/8/2022 को थाना हदगांव में एक गांव में नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी ने बलात्कार करने की कोशिश की, जिस पर थाने पर जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई तुरंत मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करके पूछताछ करके 376 पास्को एक्ट में जेल भेजा जा रहा है।